सत्यवादी धर्मराज। Thank you.
बैठा था उसका पूरा तन बर्तन ये जाहिर था। देर तरह गूंजा था जैसे कोई जरस हो मंदिर का, सौंधी सौंधी जैसे पहली बारिश की खुशबू गूंजी। अर्जुन की आंख निशाने पर थी, उसकी आंख थी अर्जुन पर। उसने मन में वही चुना था जिसने उसको जीत लिया था। सूखी लकड़ी टूटी टहनी के माने उसके साथ चलने को तैयार थी वो। उसके चेहरे की चमक थी क्या, क्या कब्र का लोच था, क्या था जिसने हवास उसके उजाड़े थे। खुशी की फिक्र जो करते हैं उन्हें दर्द जल्दी मिलता है। खुशी की फिक्र जो करते हैं उन्हें दर्द जल्दी मिलता है। चौंक गई जब सुना कि उस पर जानों का भी पूरा हक है। बुढ़िया ने कहा था बांट लो आपस में बराबर। ऐसे उसकी रगों में उस रात एक हैजान पैदा कर रही थी जब स्वयंवर जीतने वाले पे बाजी ले गया था वो। आंखों से विरोध तो झलका था लेकिन बेकार। बुढ़िया ने जब कह ही दिया वो सांझी है, वो सांझी है और अर्जुन का कौन हक नहीं। अर्जुन का हक पहला हक तो गलत होगा लेकिन पहला हक उसका हो ये भी तो गलत होगा। जैसे वो बढ़ने के लिए भूसे से गिरी बोरी के भूसा। ठंडा पड़ा था हौस किनारे उसका तीरंदाज अर्जुन, पास खड़ा था वो जिसकी आगोश में पहली बार गिरी। अब ठंडा पड़ा था हौस किनारे उसका तीरंदाज अर्जुन, अब ठंडा पड़ा था हौस किनारे उसका तीरंदाज अर्जुन। पास खड़ा था वो जिसके आगोश में पहली बार गिरे थे। क्या हुआ था बोलो पांचाली, पूरी खंडर हुई थी तब। जब कहा था उसने कि कोई विजेता सही पते पड़ता सही। क्या निचोड़ा था तुम्हें बाहों में उसने तब बड़ी बेगैरती से, जैसे तुम इनाम थी उसकी किसी कारीगरी का। खामोशी एक इजहार था जब तुम्हारी जांघों पर था बोझ से जिस्म का, कुछ के सूरज कोयला सरे गया था मायूसी से, है ना। आरज़ू पा लेना मछली के पकड़ लेने सा है, आरज़ू पा लेना मछली के पकड़ लेने सा है। हाथ आते ही दिखाई देने लगता है मौत का खामोशी से चढ़ता बेला। कमाल करती है श्यामे क्या रंग में जो रोशनी को खोल देती है। No!
खामोशी क्या जानती है वक्त और माहौल को? खामोशी क्या जानती है वक्त और माहौल को? या ये सिर्फ धोखे का निशान? उस घड़ी में भी समझ रही थी क्या तुम्हारे शब्द के पीछे सूलती हैं आंखें, या उसकी आंखों में लिखोगे जो इबारतें सुन उन्हें पढ़ना चाहेगी दफा या नहीं? फसल पकी हो तो एक खूब से भी झूम उठती है, कभी वो तुम्हारी है जो खुद को सौंप दे सुपुर्द करे। उसने सभी की झुकी हुई आंखों में हवस की लाल टपकती देखी थी जब सब ने सर को खम लेकर मंजूर किया था। उसने सबकी आंखों में हवस की लाल टपकती देखी थी जब सब ने उसको खम लेकर मंजूर किया था। उसकी मन मर्जी को किसी ने पूछा नहीं, चूर हुआ अर्जुन का सपना जो वो लेकर बैठी थी। समान नहीं थी आपस में जो खानदान में बट सकती थी। समान नहीं थी। द्रौपदी थी वो, बाग बाज मां थी वो, इसरार भरी एक सरस्वती, इंतकाम काली का प्रदान थी पार्वती का, और शक्ति का बल थी वो। आग से जलनी थी वो, आग की देवी थी वो, द्रौपदी थी वो। सावन सावन सावली मेघ सी हल्की बलि की लपटों से उठी थी, धरती की बेटी थी वो, द्रौपदी थी वो, द्रौपदी थी। खुद को मत बहलाओ युधिष्ठिर, मीठा फल जैसे भी खाओ मीठा लगता है। ये सच तो है, सभी की आंखों में शैवत थी जब द्रौपदी का दिल पर एक इनाम जीत लिया था स्वयं। बड़ी उजरत में उसने खोली थी चूड़ी की गिरह, उबलती छातियां थी उसके हाथों में जब बिना दस्तक बिना आवाज दरवाजा खोला था किसी ने, वो अर्जुन था। वो बेकाबू हुआ था या वो जल उठा था उस लम्हे, यह सचमुच ही उसे उतावल का पीछा करने की, मवेशी लेके जो कुछ चोर भागे जा रहे थे वहीं रखे थे सब हथियार अर्जुन के, जहां पर द्रौपदी आगोश में लेटी हुई थी युधिष्ठिर के। गलत मौका था शायद या लिखा था ऐसा ही बोला, उल्लंघनों का आपसी शर्तों में भी मुमकिन न था। कोई रास्ता नहीं था, अब जो होना था सो हो चुका था। मिला वनवास अर्जुन को सजा में कि वो मशकूक निकला था। युधिष्ठिर को बड़ा अफसोस था, लेकिन सजा अर्जुन ने ली थी हौसले से। किसी ने भी मगर पांचाली की मर्जी नहीं पूछी। अकेले उसके सामने वो और चार शव इनके, बिना कुछ कहे उसने चेहरा मोड़ लिया। ये किसके बस में है कि आरजू को प्यार ही दे, अगर जे सब तराशे ना सम तराश, मगर वो संग को हाथ से तो फैला सकता था। युधिष्ठिर आरजू को थामे रहना ओख में बारिश का रखना है। ओ धर्मराज, सबसे सयाने पुत्र कुंती के, तुम घुटन में गुस्से से फूटो ये इजाजत ही नहीं थी तुम्हें। किसी सन्यासी की मानिंद दबा कर जब्त रखो, इसी में इज्जत भी थी रुतबा भी। ये मालूम था उसको, मगर वो एक शोले की तरह चहकी हुई थी, कवल सी आंखें थी जिसकी, उसे वो माफ करने को तैयार न थी। अभी भूली नहीं थी वो उसे जब कौड़ियों के दांव पर किसने लगाया था, कौड़ियों के दांव पर किसने लगाया था। कैसे भूले
हस्तिनापुर हथियाने की साजिश थी, लेकिन हस्तिनापुर हथियाने की साजिश थी, लेकिन I'm okay.
कैसे भूलेगी, कैसे भूलेगी जी हरम, कैसे भूलेगी वो उसको जीत नहीं थी, फिर वो उसको कैसे हार गया, वो गर्व उसकी जीत नहीं थी फिर वो उसको कैसे हार गया, एक शख्स जो अपना सब कुछ हार चुका था, सब कुछ हार चुका था, वो उसे दांव पर खेलने का हक कैसे रखता था, किसको पहले हारा उसने, बोलो किसको पहले हारा उसने, खुद को हारा या मुझको। समझने वाली किस्मत भी यही कहते हैं,
कि युधिष्ठिर कौड़ी फेंको कौड़ियों को गुनगुनाने को, युधिष्ठिर कौड़ी फेंको कौड़ियों को गुनगुनाने, 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 युधिष्ठिर कौड़ी फेंको कौड़ियों को गुनगुनाने। दिन डूब चुका था, शाम छुप गई थी, अंधेरे की एक झीली सी चादर युधिष्ठिर और द्रौपदी के दरमियान लहरा रही थी, जो कभी किसी परिंदे के लौटने से हिल जाती, कभी किसी शाख को हिलने से सहम जाती। धरती से भारी है क्या? धरती से भारी है क्या? और आसमां से ऊंचा है क्या? नजर आया उसे अचानक की गैबी नजर से, मुलम्हा जिंदगी का कोख में जब परवरिश करता है मां की, ख्याल आया उसे उस दर्द का, उस बोझ का, जो कोख में झेलती है ममता। यकीनन ममता की कोख भारी है जमीन से, और उस पर बाप की शफकत है ऊंची आसमान से। हवा, हवा से तेज क्या है? दिमाग है यक्ष, हवा से तेज चलता है। घास, घास से भी ज्यादा उगता है। घास से भी ज्यादा उगता है क्या है? घास से भी ज्यादा उगता है क्या? ख्याल, ख्याल उगते हैं बिन बीजे बिना सोचे कहीं भी। हजारों आंखों वाला राक्षस कहीं सोचो, अंधेरे में पड़ा नासूर सहलाता हुआ, करोड़ों मक्खियों की खुराक तबाही बगाए रूमता पर परवरिश करोड़ों मक्खियों की जिंदगी की। ख्याल उगते हैं बिन बीजे बिना सोचे कहीं भी। ध्यान से बताओ युधिष्ठिर, वो कौन है जो सबसे अच्छा मित्र है? वो कौन है जो सबसे अच्छा मित्र है? घर में, रगों में चुभ रही थी जब सलाखें, जरूरत के कई रचकों में किसी एक साथ का उसको ख्याल आया। यकीनन पत्नी ही सबसे अच्छी मित्र है घर की। जवाब, उन दो कवल सी आंखों को पहुंचा, एक लम्हे को आंखें अचानक नजर बचाता पत्नी थी वो, सिर्फ अकेली और पहली थी युधिष्ठिर।
छोड़कर ही कब गया था? हमेशा साथ रहा उसके, किसी दीवार के माने जहां चाहे टेक लगा ले उस पर। नहीं, इल्जाम से खाली नहीं था वो, इल्जाम से खाली नहीं था वो। वो एक फासले की खिड़की, हमेशा हमेशा उसे याद दिलाएगी, उसे चैन से जीने न देगी। मिनिस्टर कौड़ी फेंको कौड़ियों को गुनगुनाने, मिनिस्टर कौड़ी फेंको कौड़ियों को गुनगुनाने, मिनिस्टर कौड़ी फेंको कौड़ियों को गुनगुनाने, मिनिस्टर कौड़ी फेंको कौड़ियों को गुनगुनाने। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, इस गुनाह के सिवा और भी तो खूबियां थी उसमें। बताओ युधिष्ठिर, बड़ी है किससे कायनात जिसके हम हमेशा गाते आए हैं भजन? और ये लाभ है दो दुनियाएं वकी और दूर दूर फैली हुई, जहां दर्रों के सर्रे उड़ रहे हैं बेवजह। बहुत मायूस मत होना ये सुनकर यक्ष, तुम ये सारी कायनात एक खाली खला है और कुछ नहीं। यही था तुम्हें जो सुनना था यक्ष, यही हर शख्स खुद से पूछता। अब बताओ वो क्या है जो अकेला ही सफर करता है, तन्हा? वो क्या है जो अकेला ही सफर करता है तन्हा? बहुत गिरते हैं साए रोशनी से यक्ष, लेकिन फकत सूरज अकेला है जो सफर करता है तन्हा पर। खुशी भी कौन सी है जो सबसे अच्छी है? कह जाती है जैसे बूंद बारिश बाद पत्तों पर, खुशी जो सब्र में है वो सबसे अच्छी। सब्र क्या है कौन से? सब्र यक्ष, बिना शिकवे के इंतजार करना अपनी उम्मीदों का, किसी ख्वाहिश को खुल जाने की मोहलत दे दे, ख्वाहिश डूब जाने दे, सब बर्दाश्त करना, दुआ कर लेना और अपनी जरूरत छोड़ देना, यही सब्र करना। अब बताओ बताओ वो दुश्मन कौन है, वो दुश्मन कौन है जिसकी शिकस्त हो ही नहीं सकती? तरह सी लौ से जल सकता है जंगल, वो दुश्मन गुस्सा है जिसकी शिकस्त हो ही नहीं सकती। गुरूर क्या है गुरूर है यक्ष, नादानों की गलती। सबकी डोरियां बांधी हुई है बाजीगर ने अपनी उंगली से, जिसे आदम समझता है कि वो उसकी अपनी कोशिश, वो बाजीगर की एक उंगली की जुम्बिश है। अब बताओ भूख है या लालसा, भूख या लालसा? पेट भरा हो पर जीभ से लाल टपकती हो तो लालसा है यार। जब पेट भरा हो और जीप से लाल टपकती हो, पेट भरा हो फिर भी झोलियां भरते रहना अनमिट भूख है, लेकिन खुद की भूख मिटाकर औरों को भूखा रखना स्वार्थ है यक्ष। अब बताओ प्रजा की पूंजी में राजा का कितना हक होता है? प्रजा की पूंजी में राजा का कितना हक होता है? बस उतना ही जितना उंगली पर बढ़ता हुआ नाखून, जिसे काटते रहना जरूरी है, नहीं तो प्रजा का मांस छीलेगा। स्वयंवर क्या है युधिष्ठिर? जब
कोई स्वयं चुने जिंदगी का साथ तो वो स्वयंवर होता है। क्या वो साझा भी होता है? निजी भी होते हैं रिश्ते, साझी भी होते हैं, जैसे मित्रता मित्रों में। जब हमका मां की 5 संतानों में जो हमने देखा है वो साझी होती है। और यदि वो पत्नी हो तो तुम क्या कहोगी? शरीर एक शब्द है पर आत्मा इस श्लोक संबंध का। हवस पल भर की होती पर संबंध सदियों की। अगर तुम्हें ये समझाना बहुत कठिन है यश, क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें समझाना बहुत कठिन है यश, तुम ब्रह्मचारी हो। पत्नी सिर्फ जननी नहीं होती, वो मित्र भी होती है, वो माँ भी होती है, वो 5 उंगलियों में बटकर भी अमृत भरी एक ओक होती। अब बताओ इस दुनिया में सबसे अजब क्या है? इस दुनिया में सबसे अजब क्या है? बड़ी आरजी है जिंदगी, ये जितना भूलती है। दुआ छटता है जब पिसास है तो चेहरा नजर आता नहीं क्यों आईने में। करोड़ों मरते हर रोज, सभी ने देखा, सभी को मरना है ये सब जानते हैं। फिर ये याद क्यों नहीं आता जब हम सब जीते हैं? भला इससे बड़ा अजूबा और क्या हो? वो राजाओं के राजा, वो धर्मराज, वो युधिष्ठिर, तुम्हारे सभी जवाबों से तसल्ली हो गई, तुम्हारी सोच दानिश देखकर नमन करता। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं कुछ पूछने की, तुम्हारे सब्र का इनाम जायज। किसी भी एक भाई के लिए जिंदगानी मांग सकते हो, तुम्हारे वास्ते ये मोजज़ा मंजूर लगता। अभी तक मुंतजर थी वो अपनी बदनसीबी से परेशान, लड़ रही थी बसों से दिल ही दिल में। अगर किसी एक भाई को जिंदा रखना है तो नकुल को जिंदगी दे। मंजूर है तुम्हें अर्जुन और भीम का मरना? मंजूर है तुम्हें अर्जुन और भीम का मरना? नकुल को जिंदा रखना चाहते हो? क्या भीम और अर्जुन तुम्हारे मां के जन्मे नहीं थे? जरूरी है मगर है यक्ष की राजा हर फैसले की वजह बताए। किसी को ठेस ना देना बहुत नेकी होती है। मेरी 2 माएं, एक माधुरी और दूसरी कुश्ती, मुझे दोनों के हक का पास होता। ये दोनों का एक बेटा, यही वरदान दो मुझको। अरे ओ नेक बंदे, जगा ले अपने सारे भाइयों को, जगा ले। तुम वो नहीं हो जो दिखते। आखिरकार तुमने इतनी शक्ति कैसे? तू हो कौन? कर्म हूं मैं। ओ बेटा मेरे, मैं काबू कर सकूं गुस्सा, माफ करने की शक्ति दो। पिताश्री, उतर जाता है जैसे दरिया चौड़ा पाप का, मुझे भी माफ कर देने की शक्ति दो। जो चाहा है वही पाओ, वही हो। उसकी नजरों में चाहत की बेबाकी थी, तैयार न था वो उसके लिए। नजरें झुका के, गले से लग के, जिसमें प्रेम और एहतराम था, एहसास था एक सुपुर्दगी का,
नजर में उसकी चाहत थी, उठा के चेहरा देखा आंख में उसका, गले से लग गई उसके, एहसास था एक सुपुर्दगी का। दूर खड़े दरियाओं में कुछ बर्फ पिघलनी होती है, खुश पड़े दरियाओं में सुग्यानी आ जाती है। महाकाव्यों की यही खूबी है कि उनको अनेक कालों में, अनेक संदर्भों में उनका पुनर्पाठ किया जा सकता है। याज्ञसेनी द्रौपदी के जीवन के ऊपर पांडवानी से लेकर शास्त्रों तक अनेक कथाएं बांची गईं और उनकी अनेक प्रस्तुतियां भी की गईं। आज ये अद्भुत प्रस्तुति जो हमने देखी, उसमें भी इस जीवन चरित्र की आंतरिकता और बाह्यता के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, विचार और इंटरप्रिटेशन देखने को मिला। इस नाटक के मंचन करने वाले, इस नाटक को डायरेक्ट करने वाले हमारे ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सलीम आरिफ का मैं को मैं निमंत्रित करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग एक ही जमाने में इसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थे, मैं और सलीम निशी जी, हम सब एक साथ सीनियर थे।
So a very, very big round of applause for Celine. And may I now request the director of this absolutely fantastic play to please introduce the artist, and then we'll request the Honorable Vice Chancellor to felicitate Celine Arif. मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि सलीम ने जब अपना रंग यात्रा आरंभ की थी तो वो बीए में ही पढ़ते थे, और जहाँ सभी लोग जब नाट्य कर्म की बात करते हैं तो नाटक में अभिनय करके नाटक के मंच पर सामने आने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बैक स्टेज पर लाइट ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू प्रोफेसर आलोक कुमार राजा बिकॉज इट वॉज इंटायरली हिज love, affection, warmth which got all of us here. It's not an easy play to put together because as you know it's a team of about 40 people and the dancers and singers are from Agra, some of the actors are from Bombay, some have come taking special holidays to come and perform here. But it was entirely due to the insistence of Professor Rai and of course Professor Nishi Pandey, who has been the catalyst for all good things that happen in the university. So thank you so much, both of you. And quickly, I'll call all my team on stage. Mr. Bakul Thakkar, who was playing the Yaksh. Bakul is an acclaimed Gujarati, Marathi, Hindi actor. Working in Mumbai in films, televisions and theatre. Indeed, a big hand, Bakul. Then Mr. Amit Behel, another very well known, I am very fortunate to count all of them as my friends. Amit Behel needs no introduction. Then of course, Lubna, Salim, my better half. Or rather the better part. So Lubna Salim again from theatre, from films, television. Then we had Mr. Milind Vankhede, who is a very acclaimed music director, Marathi composer, who agreed to come and do the music work for us. It's although composed by Sudeep Banerjee, another very well-known ghazal singer who composed the songs for us. The choreography was done by a lady who belongs to this city, not from the university as much, but from our Kathak Kendra, Harshita Mishra. Harshita, please are you there? And her husband, who is from Bharatendu Academy, Dimpy Mishra, who was also instrumental in. He was the sutradhar, and Garima Mishra, another very bright student from Madhya Pradesh Drama School, very well-known actress, and the entire team of Agra, please, the dancer, musician now, please all of you come on stage. This play, as you know, it's, as I said, it's very difficult, but thanks to these boys and girls. May I now request the Honorable Vice Chancellor of Agra University, Professor Alok Rai, to please come on stage and felicitate our guests with the memento. Anybody else to come? Specially designed for the centennial celebrations.
सलीम जी, आपको सारे विद्यार्थी इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं और उनको ये उम्मीद है जो उनको पिछले बरस एक वायदा किया गया था, सलीम जी कि एक वादा उनसे किया गया था कि आप एक महीने के लिए आकर बच्चों के साथ एक थिएटर की वर्कशॉप करेंगे. सो वी होप दैट डिस्पाइट द डिफिकल्ट ईयर दैट प्रॉमिस रिमेन्स एंड नेक्स्ट ईयर वी विल हैव यू हियर फॉर अ मंथ टू ट्रेन द स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर अ फुल प्ले. A very, very big round of applause for all the wonderful artists. Thank you very much, Salim and Lubna, for being here with us this evening. Thank you very, very much. And may I now request Salim to come here as an alumna to speak to his younger students who have and share his views about what they could do in future and what he felt in the past. Salim. Well, my friends, I had actually planned to be here for 2 months and do a workshop, but because of the pandemic, the idea was that in 100 year celebrations, students of Lucknow University currently studying would be presenting a play directed by me, and I was very keen to organize a 2 month kind of a workshop where most of you could have participated and done something, because it's very important that you now take the baton from us, like the seniors who handed it us in 1977 to 1980. It's our duty now to hand over the baton to you. So now you carry on what we tried to do in the last 30 years with our lives. You people now are on the threshold, and I think it's very important that transmissions of ideas happen in a very smooth way. जैसा आपने नहीं कहा, अब हम लोग थोड़ा बहुत डिपार्चर लाउंज में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग अब प्लीज़ आइए, हमारा हाथ पकड़िए और हमें अपने साथ चलाइए, बल्कि आप हमारे लीडर्स और रहबर बनिए और हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं. तो प्लीज़, ये बहुत बहुत सुंदर मौका था, और प्रोफेसर आलोक साहब ने जो इनिशिएटिव दिखाया, क्योंकि आज सब ने इसको बहाना बना लिया है कुछ ना करने का. कहते हैं जी, हम तो बहुत करना चाहते हैं मगर कोविड की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक लखनऊ यूनिवर्सिटी ने वो काम करके दिखाया है, प्रोफेसर निशी पांडे हमारे दोस्त, तो इन लोगों की वजह से और स्पेशली ऑफ कोर्स द लीडरशिप ऑफ आलोक साहब, कि आज आप सब ने पूरे हिंदुस्तान में ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि सारे लिमिटेशंस के बावजूद कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक किया और सोचा जा सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद. आई रियली कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग इन सच लार्ज नंबर्स टू रियली बूस्ट अर्थ. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. शब बख़ैर. आई विल बी सीइंग अगेन टुमारो इन डे आफ्टर. आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट 2 डेज. सो थैंक यू लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस, एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट. Thank you. Thank you very much for being a very, very lovely audience. A big round of applause for all the artists and all the audience as well. अच्छा रहे यार. अच्छा रहे बात.